हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक टैरो 3। एंड आ गए गाइस हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, आप लोग मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि प्लीज़ थर्ड पार्टी पर वीडियो बनाइए, थर्ड पर्सन जो है हमारे पर्सन के लाइफ में वो कब तक चला जाएगा। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे अपने टैरो के थ्रू एंड और भी हमारे पास जैक्स हैं। गाइस मैंने आप लोगों के लिए एंजल आंसर्स मंगा लिया है, जैसे कि देखिए आपके सामने ही है एंजल आंसर्स। तो डेफिनेटली अब हम अपने एंजल से भी कांटेक्ट कर पाएंगे। हम यूनिवर्स से तो कांटेक्ट कर ही पा रहे थे भाई साइकिक टैरो, बट अब हमारे पास एंजल आंसर्स भी हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको एंजल आंसर्स भी दिखाने वाला बताने वाला हूँ। एंड हम अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि थर्ड पार्टी कब तक आपके पर्सन की लाइफ से निकल जाएगी एंड क्या एंजल्स की गाइडेंस होगी आपके लिए, क्या गॉड की गाइडेंस होगी। बिकॉज हम मोनोलॉजी से गॉड गाइडेंस देखेंगे, एंजल आंसर से एंजल गाइडेंस देखेंगे। ओके तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज मैं आपको पहले ही बता दूँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है एंड सभी साइंस के लिए है, तो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ओके सो चलिए हम, और ये गाइडेंस जो है इसमें एंजल्स की एंड मोनोलॉजी डेक से जो गाइडेंस मिलेगी गॉड की, वो टाइमलेस है। तो आप इसको जब भी देखोगे आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, चाहे आप सेम सेक्स जेंडर के साथ, सेम सेक्स के साथ डील कर रहे हो या फिर आप अपोजिट सेक्स के साथ डील कर रहे हो, ये सबके लिए रीडिंग है। ओके एंड इवन जो भी इस रीडिंग को देखे, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो या फिर वो अभी वर्किंग ना हो, सबके लिए है ये रीडिंग। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कब तक आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी निकल जाएगी। तो कार्ड्स को शफल करना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। चलिए अब कार्ड पिक करेंगे हम। ओके द एम्प्रेस, लिब्रा क्वीन ऑफ वैंड एंड एस ऑफ वैंड इन रिवर्स। ओके टू ऑफ वैंड एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके सिक्स ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। द स्टार, ओके ओके एंड जजमेंट। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं इस पर्सन को प्लेयर देख पा रहा हूँ। ये पर्सन प्लेयर है बिकॉज हमारे पास टेन ऑफ कप्स है, मैजिशियन है, जजमेंट है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया, द स्टार आया। तो मैं आपको साइंस बता देता हूँ पहले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके द स्टार से हमारे पास एक्वेरियस, द मैजिशियन से हमारे पास जेमिनी है। ओके सो मैंने आपको सभी साइंस बता दिए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून से हमारे पास है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, लियो एंड एक्वेरियस। ओके तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ अब। डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं और ये पर्सन प्लेयर है। इस पर्सन के दो दो तरफ कनेक्शन चल रहे हैं। ओके सो मैं यहाँ से क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये सी अभी द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड दो एनर्जी यहाँ पर आई हैं। सो मैं यहाँ से क्लियरली देख रहा हूँ कि ये पर्सन दो पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चल रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन में देख पा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो देख लीजिए आप, ये पर्सन
बहुत ही प्लेयर एनर्जी में इसलिए है क्योंकि देखिए जब ये किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर इनको इमोशनल फीलिंग्स चाहिए होती है, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होती है, तो ये अपनी एम्प्रेस यानी कि आपके टूवर्ड्स मूव इन मूव आउट कर जाते हैं, आपकी लाइफ में इन कर जाते हैं। आपकी आपकी फेमिनिटी, आपकी ब्यूटी, आपका नेचर, आपकी नर्चरिंग एनर्जी एंड इनके आपकी अबंडेंस से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि इनको कोई ऐसा चाहिए होता है जो इनको संभाल ले। एंड देन उसके बाद जब इनको आपसे जब इनका टाइम ठीक हो जाती है, इनकी सिचुएशन ठीक हो जाती है, इनकी लाइफ में बैलेंसिंग आ जाती है, देन ये मूव आउट हो जाते हैं किधर की तरफ, क्वीन ऑफ वैंड की तरफ यानी कि थर्ड पर्सन की तरफ, जहाँ पर क्योंकि थर्ड जो जो थर्ड पर्सन है वो इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहनती हैं, बहुत ही मॉडर्न लुक की हैं, थोड़ा मतलब ये इंडिपेंडेंट हैं एंड सोशली बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या तो या मतलब इनकी जो करेज और कॉन्फिडेंस है ये उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जबकि वहाँ पर इनको बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है उस तरफ जाके, एंड इसीलिए बार बार प्रॉब्लम्स में फंसते हैं और आपकी तरफ वापस से इन करने की कोशिश करते हैं। बट येस डेफिनेटली ये पर्सन अभी बहुत ही प्लेयर ही एनर्जी में चल रहा है खुद ही, तो इसलिए मैं आपको ये नहीं कह सकता कि यहाँ से अभी कोई क्लैरिटी आएगी, बट येस अभी मैं आगे देखता हूँ और बताता हूँ देन आपको। बट येस यहाँ से जजमेंट तो है, गॉड का कोई ना कोई जजमेंट है आपके लिए, गॉड आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, गॉड आपके इस लाइफ को चेंज करेंगे, बिकॉज मैं यहाँ से देख सकता हूँ आपकी विश तो यही है कि ये थर्ड पर्सन खत्म हो जाए और आपकी फैमिली बन जाए। ये देखते हैं आपकी विश यही है कि थर्ड पर्सन खत्म हो हमारी लाइफ से एंड हम दोनों अपनी लाइफ को सेटल करें, अपनी लाइफ में चेंजेस लाएं, अपनी लाइफ दोबारा से बनाएं। ये जितने भी कप्स हैं, जॉय, लव, हार्मनी, सक्सेस, वैल्यू, एवरीथिंग जो भी यहाँ पर है, एक घर है, बच्चे हैं, आप चाहते हो कि ये हम दोनों एक फैमिली बनाएं वापस से। बट ये पर्सन बहुत ही प्लेयर ही पर्सन है, अभी ये बहुत प्लेयर एनर्जी में चल रहा है, इसका कर्मा चल रहा है, ये आप लोगों के बारे में अपने इन जहाँ पर भी ये जॉब करता है या फिर जहाँ जो भी इसका फ्रेंड सर्कल है वो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में बातचीत करता है, आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि मे बी ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पर्सन है आपके गुड और मतलब आपके इसे वो चीज़ें पता है जिससे आपको कॉज होता है बहुत ज़्यादा और इफेक्ट होता है, तो डेफिनेटली ये उन चीज़ों को बहुत ही पकड़े हुए है, इसीलिए आप इनसे वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो। बट येस इसको पता है कि क्या आपके वो पॉइंट्स है वीक पॉइंट्स, तो उन वीक पॉइंट्स को यूज़ करके ही आपकी लाइफ में वापस से इन कर जाता है। आप अपनी करेज को बढ़ाने की भी कोशिश करते हो, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने की भी कोशिश करते हो, बट ये पर्सन जब वापस आपकी लाइफ में आता है और निकलता है तो ये आपकी पूरे पोटेंशियल को, पूरी करेज को बर्बाद करके अब वापस से दूसरे पर्सन की तरफ बढ़ जाता है। बट यस जब तक ये पर्सन क्लियरिटी नहीं देगा किसी भी एक पर्सन को या तो आपको या उस थर्ड पर्सन को, जब तक इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही आइडियाज़ आते हैं बट बहुत ही लैक ऑफ डायरेक्शन के आइडियाज़ इनके पास, और डिलेज तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ ये किसी पर्सन के साथ गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिले तो इनकी लाइफ में आने ही आने हैं। तो कोई नई शुरुआत नहीं दिख रही मुझे इनकी लाइफ में, कोई नई मतलब प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, ये सोच रहे हैं कि करियर में प्रोग्रेस हो जाएगी, लव लाइफ में प्रोग्रेस हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज जब तक ये क्लैरिटी नहीं देंगे। बहुत सोचा जा रहा है करियर को लेके, फ्यूचर प्लानिंग को लेके, प्रोग्रेस को लेके, डिसीजन को लेके, डिस्कवरी करने की कोशिश हो रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कवर करूँ कि आगे चल के मुझे जॉब में सक्सेस मिल जाए, कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसके अंदर मैं एक पोटेंशियल रख के वर्क कर सकूं या अपने करियर बना सकूं। अब ये मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आप जेंडर से मत जोड़ देना इन कार्ड्स को प्लीज, ओके? सो जेंडर कोई भी हो सकता है बट यहाँ एनर्जी की बात चल रही है, ओके? सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही पर्सनल गोल जो हैं वो नहीं मिल पाएंगे आगे चल के, बिकॉज यहाँ पर देखिए हमारा जो कार्ड आया है सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री कार्ड इन रिवर्स, तो डेफिनेटली प्राइवेट अचीवमेंट कोई नहीं मतलब प्राइवेट अचीवमेंट मिल सकती है, कोई पब्लिक अचीवमेंट तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। पर्सनल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो अभी ये बना के चल रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है, ये अपनी ग्रेस से गिरते जा रहे हैं और ईगो बढ़ता जा रहा है इनका, बहुत ही ईगो ईगो में आ गए हैं ये, बहुत ज़्यादा ईगो है इनके अंदर। और जो विश है वो जो आपकी विश की, मैं ये भी चाहते हैं कि इनकी फैमिली बने आपके साथ, यहाँ से मैं इनकी भी विश गेट कर पा रहा हूँ, बट यस अभी ये बहुत ही प्लेयर एनर्जी में चल रहा है, इनको अपने मैनिफेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन्हें गॉड में बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ से मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि यस अभी इनकी लाइफ में जो जजमेंट होने वाली है वो बहुत ही ऐसी जजमेंट होगी कि वो इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल हिला भी सकती है, और बहुत ही ऐसा मूवमेंट होगा इनकी लाइफ में, क्योंकि अभी ये बहुत सेल्फ डाउट में है, इनर क्रिटिक में है, इग्नोर कर रहे हैं भगवान की तरफ से जो मैसेज आ रहा है उसको, एंड जो जजमेंट इनके लाइफ में होगी, जो रीबर्थ होगा इनका एंड इनर कॉलिंग को सुनना जब ये शुरू करेंगे तभी इनके लाइफ में चेंजेस आएंगे, बिकॉज अभी ये
प्रॉब्लम में तो आपके पास आ जाते हैं या जब इन्हें फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है या फिर इन्हें मे बी इमोशनल हेल्प चाहिए होती है या इन्हें थोड़े से काउंसलिंग चाहिए होती है तो ये पर्सन आपके पास आ जाता है। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर्सन को ये समझने की कि ये जिस भी पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं थर्ड पर्सन के साथ वो इनकी लाइफ में इनके लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, बिल्कुल भी वो उस तरफ इनको वो लव जॉय हार्मनी फील ही नहीं होती है जो आपके साथ फील होती है। ठीक है, सो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ क्लियरली कि यस ये पर्सन अभी तो बहुत ही प्लेयरी एनर्जी में चल रहा है। और देख लेते हैं कि हमारे एंड हाँ व्हील ऑफ फॉर्चून को मैं कैसे भूल सकता हूँ, डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखा रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में तो गुड लक है बट आपके पर्सन की लाइफ में कर्मा है। इनकी जो लाइफ साइकिल है वो अपने डेस्टिनी पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी अगर ये अपनी लाइफ में क्लियर नहीं होते हैं एंड ये टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में नहीं आ पाएगा। तो डेफिनेटली ये अभी ये खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, कन्फ्यूजन में है। तो अभी तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इस कन्फ्यूजन की क्लैरिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट तो कर रहा है बट आपको एकदम अच्छे से अपने लिए बातचीत करनी होगी, अपने लिए वर्क करना होगा बिकॉज आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिल रही है। अगर आपका पर्सन भी ये रीडिंग देख रहा है तो बहुत अच्छी बात है बट यस आपको खुद को क्लैरिटी देने के लिए आपको बातचीत करनी ही होगी। और देखते हैं साइकिक से क्या निकल के आता है। फर्म एंड फाउंडेशन, डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ये थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में से निकल जाए और सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो डेफिनेटली आपको जो भी अपने पेन्स मिल रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको उनके बारे में बातचीत करनी होगी और इस पेन से अपने आप को स्ट्रेंथ देनी होगी, आपको आगे बढ़ना होगा, अपने बारे में बात अपने लिए बातचीत करनी होगी उस पर्सन से बिकॉज वो पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही प्लेयरी एनर्जी के साथ चल रहा है। प्रोस्पैरिटी बिगेन्स, अगर यस डेफिनेटली अगर आप अपने लिए वर्क करते हो, अपने सेल्फ वर्क को करते हो तो डेफिनेटली आपको समृद्धि मिलेगी आगे चल के। और अगर आप अपने लिए बातचीत करते हो, आगे बढ़ते हो तो यस। एंड देखिए जैसे कि मेरे पास चार है, जो आपकी विश है वो पूरी होगी, आप जो फैमिली चाहते हो वो बनेगी बट यस आपको भी वर्क बहुत करना पड़ेगा, अपने लिए बहुत मैनिफेस्ट करना पड़ेगा बिकॉज आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी। अभी वो बहुत ही कन्फ्यूज चल रहे हैं, गॉड जजमेंट जरूर करेंगे, गॉड की जजमेंट के साथ उनकी लाइफ में चेंज जरूर आएगा। यस फॉर्म एंड फाउंडेशन, सॉरी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, जैसे कि हमने देख लिया यहाँ पे यस ये फैमिली है, इस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बनेगा एंड आपको उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी थर्ड आई चाक्रा ओपन करने की इस पर्सन को। फॉर्म एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, फॉर्म एंड फाउंडेशन, तो डेफिनेटली आगे चल के आपकी जो विश है कि आपकी फैमिली बन जाए, यहाँ से भी फैमिली कार्ड है, यहाँ से भी फैमिली कार्ड आ गया है, डेफिनेटली आपकी ये विश पूरी हो सकती है बट यस अभी तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना होगा। आपको अपने पर्सन के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी होगी गॉड से बिकॉज आपके पर्सन अपने अपना स्पिरिचुअल वर्क नहीं कर रहे हैं, अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, अपना सेल्फ वर्क नहीं कर रहे हैं बट आपको उनके लिए थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है ताकि गॉड आपकी दुआओं के थ्रू उनका भी थोड़ा दिमाग ठीक करें। डेस्टिनी, यस डेफिनेटली थर्ड आई चक्रा ओपन होने के बाद आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाओगे दोनों। सफरिंग इन साइलेंस, आप दोनों ही साइलेंस में सफ़र कर रहे हो बट यस आपके पर्सन सफ़र करते करते भी थोड़े नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं एंड वो अभी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो गलत कर रहे हैं। सेक्रल चाक्रा, डेफिनेटली मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यस उनको अपनी फीलिंग्स, अपनी इनर फीलिंग्स, अपनी हर एक बात आपको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। क्या पता वो भी प्रॉब्लम में चल रहे हो, ये भी हो सकता है, क्या पता वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हो, थर्ड पर्सन ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रखा हो इसीलिए वो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि वापस आपकी तरफ बढ़ते हैं। सो यही हो सकती है या तो क्या पता वो किसी प्रॉब्लम में हो एंड डेफिनेटली ट्रम्प यहाँ से बॉटम से आया तो उन्हें सक्सेस मिलेगी बट यस अभी उनकी लाइफ में कर्मा चल रहा है तो उस कर्मा को उन्हें फेस करना ही होगा। सो चलिए हम अब देखते हैं अपने एंजल्स मैसेजेस, पहले हम मैसेजेस देखेंगे, फिर हम टाइमिंग देखेंगे एंड फिर हम यस और नो आंसर देखेंगे अपने एंजल्स एंजल्स के थ्रू। तो ठीक है, पहले हम एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं कि क्या मैसेज दे रहे हैं एंजल आपको। ओके, हमारे पास दो कार्ड आए हैं गाइस एंजल्स की तरफ से। ये देखिए पहला कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है क्लियरली कम्युनिकेट करने की, नो नीड टू वरी,
बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंजल्स की ग्रेस देखिए, एंजल्स की खूबसूरती को देखिए, आपको बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स यही कहना चाहते हैं। लेट गो, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स आई, उन्हें लेट गो कर दीजिए, सब ठीक होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सक्सेस। ओके, एंजल्स कह रहे हैं आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए अब हम देखते हैं टाइमिंग कि कब तक ये थर्ड पार्टी चली जाएगी इस पर्सन की लाइफ से। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से इस साल के अंदर अंदर ये थर्ड पार्टी चली जाएगी डेफिनेटली। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक आपको कोई ना कोई चेंज मिलने वाला है आपके पर्सन की लाइफ में। एंड एक कार्ड और देखेंगे, परफेक्ट टाइमिंग, ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब आपके पर्सन की अवेकनिंग होने वाली है। एंजल्स यही कह रहे हैं, नॉट द राइट टाइम, बट यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ नॉट द राइट टाइम से कि एंजल्स कह रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग बट नॉट द राइट टाइम यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये जो टाइम है अवेकनिंग का है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का है। परफेक्ट टाइमिंग है अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने की, अपने बैलेंसिंग करने की अपनी लाइफ में, बट नॉट द राइट टाइम बॉटम से इसलिए आया है। गाइज, आप इस कार्ड को देख के बिल्कुल भी उदास मत होना, बिल्कुल भी परेशान मत होना कि पहले परफेक्ट टाइमिंग आ गया एंड देन फिर नॉट द राइट टाइम आ गया। तो ये राइट टाइम नहीं है कनेक्शन उनसे कॉन्टैक्ट करने का या फिर उनसे अपनी बातचीत बढ़ाने का, बिकॉज अभी उनकी परफेक्ट टाइमिंग है ये हीलिंग की। बिकॉज आप यहाँ से देख पा रहे हो कि टाइमिंग में ये जो हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं जो इक्विपमेंट है, ये दिखा रहा है कि उन्हें अपनी हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड नॉट द राइट टाइम दिखा रहा है मुझको कि अभी ये राइट टाइम नहीं है एक दूसरे से कनेक्ट होने का या फिर कन्वर्सेशन करने का, बिकॉज आप अभी दोनों एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे के लिए मैनिफेस्ट करने की, एक दूसरे के साथ क्लैरिटी में रहने की। एंड डेफिनेटली एंजल्स आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, बिकॉज यहाँ से देखिए कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियरली बात करो। अगर वो पर्सन आपसे बात करता है तो क्लियरली बात करना, ओके। अगर उसकी तरफ से कोई भी एक्शन आता है, यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी तरफ एक्शन तो आएगा आपके पर्सन की तरफ से, पर बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट करना। और नो नीड टू वरी, डर परेशान डरने की कुछ भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और हर चीज़ को लेट गो कर देना, सक्सेस आपको मिलेगी। ईयर फ्रॉम नाउ, इसी साल में मिल जाएगी आपको सक्सेस। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा, पर ये परफेक्ट टाइमिंग है अपने आप को मैनिफेस्ट, अपने लिए मैनिफेस्ट करने की, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की। और ये राइट टाइम नहीं है अपने पर्सन के लिए परेशान, ये राइट टाइम नहीं है, नॉट द राइट टाइम। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अभी आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी चल रही है उनके थ्रू अगर अभी आप अपने पर्सन से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो दोबारा आपकी लाइफ में क्योस हो सकता है। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ से दिखा रहा है कि जब तक व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू गॉड टाइमिंग नहीं आएगी, जब तक ये राइट टाइम नहीं है अभी सक्सेस का, ओके। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है। सो अब हम देख लेते हैं येस और नो आंसर के थर्ड पर्सन इसी ईयर में, जैसे हमारे पास है ईयर फ्रॉम नाउ, तो हम देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन के एंड कब तक थर्ड पर्सन की एंडिंग हो जाएगी लाइफ से एंड कब तक पर्सन वापस आ जाएगा। वाह, आपको ज़रूरत है एक न्यू डायरेक्शन चुनने की। जैसे कि मैंने कहा अभी ये नॉट द राइट टाइम, तो यहाँ से हमारे लिए आया है न्यू डायरेक्शन। आपको न्यू डायरेक्शन पकड़ने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप शायद रॉन्ग डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो या फिर आपने ठीक से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर ठीक से आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, बिकॉज मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन आंसर्स लाता है। अनलकीली, सो सॉरी, अनलाइकली है ये। सो डेफिनेटली मैं यहाँ से ये देख पा रहा हूँ कि अभी डिफ़िकल्ट है सिचुएशन, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा सिचुएशंस में एंड आपको लग रहा होगा नॉट लाइकली टू हैपन, ये हैपन नहीं होने वाला है या फिर नहीं, यहाँ एक्सपेक्टेड ही नहीं है। बट येस, अनएक्सपेक्टेड थिंग होगी आपकी लाइफ में, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और ये थर्ड पर्सन चला जाएगा आपकी लाइफ से। येस, हमारे पास येस आया है, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी का एंड हो जाएगा, ये थर्ड पार्टी चली जाएगी आपकी लाइफ से। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिकंसीडर, आपको हर चीज़ को रिकंसीडर करना होगा, हर चीज़ को अच्छे से कंसीडर करो,
कंसीडर की जगह आप रिकंसीडर आया देखिए हमारे पास। आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, बिकॉज हमारे पास बॉटम से देख लीजिए हमारे पास कंसीडर रिकंसीडर आया था। सो रिकंसीडर कार्ड हमें यही बता रहा है कि हर चीज़ को बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो मामला है अभी आपकी लव लाइफ में जो चल रहा है, जो थर्ड पार्टी चल रही है, बहुत ही हाई चल रही है आपके पर्सन के साथ, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड में चल रही है, बट ये ऐसी बॉन्ड आगे चल के सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, बिकॉज वो आपके साथ जो जॉय हार्मनी लव फील करते हैं वो और कहीं फील ही नहीं करते हैं। सो एक बार हम गाइडेंस की तरफ और बढ़ जाते हैं, गॉड गाइडेंस की तरफ से हमारे क्या निकल के आता है। हमने एंजल देख सकते देख लिया है। ओके द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके prosperity lies ahead and you and your loved ones are safe. Okay. A new start is coming, a new romantic cycle begins. Okay. एक न्यू स्टार्ट आ रही है और डेफिनेटली नई रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में बिगिन होगी। दो कार्ड आ गए हैं हमारे पास। टाइम टू गिव रादर देन टेक, यस, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि यस ये समय अपने ऊपर वर्क करने का बहुत ज़्यादा। इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो डेफिनेटली आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की जरूरत है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो होगा और कॉन्फिडेंस ही है आपकी सक्सेस की चाबी। सो गाइस ये थी आपकी आज की रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है और आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड नोटिफिकेशन आइकन को दबाने के बाद आपको रोज दो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कमेंट करके जरूर बताना एंड हम मिलेंगे अगली वीडियो में। एंड गाइस मैं आज अपनी इस न्यू डेक को यूज करने में थोड़ा नर्वस था, तो प्लीज अगर आपको मैं थोड़ा नर्वस लगाऊं तो उसके लिए कोई बात नहीं, आगे चल के हम और अच्छे से करेंगे इसका यूज। तो चलिए अभी हम चलते हैं, बाय।